नमस्कार, सेक्शन न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों के शासन पर तो निशाना साधा ही, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। अमित शाह 370 के समर्थन में बोलने वाले नेताओं पर भी बरसे और पहाड़ी, गुज्जर तथा बकरवाल समुदाय को बड़ा आश्वासन देकर उनका दिल जीत लिया। राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह जब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो पूरा क्षेत्र मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था, जिसे देखते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कह दिया कि जम्मू कश्मीर में आज की ये रैली और मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब हैं जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी और खून की नदियाँ बह जाएंगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम करकर धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है, जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है, आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा, और आप खुशहाल हो देश के बाकी हिस्सों की तरह एक रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त तो हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी। माताओं, भाइयों बहनों, मोदी जी
पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो इतनी धूम धकती धूप के अंदर डेढ़ घंटा लेट भी माताएं बहने भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह ने कहा कि 70 साल तक जम्मू कश्मीर पर तीन परिवारों ने राज किया और लोकतंत्र का मतलब इन्होंने सिर्फ अपना परिवार बना दिया था। अमित शाह ने कहा कि तीन परिवारों ने लोकतंत्र और जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीढ़ियों तक शासन करना निकाल दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से यहाँ पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया बदलाव लाने वाले अमित शाह के संबोधन की बड़ी बातें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।